वेलकम टू पढ़ लो इंडिया. आई एम मंजू. वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 2 टुडे. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका क्या नाम है, चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स की, इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनवर्स की डेफिनेशन से, ठीक है. तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन, अगर मैं बात करूं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई की, देन जी फ्रॉम वाई टू एक्स, एक ऐसा फंक्शन सच दैट अगर एफ एक्स जो है वाई पे जा रहा है अंडर एफ, ठीक है, देन जी वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इनवर्स क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है. इसका मतलब अगर एक्स जो है वाई पे जाएगा अंडर एफ, देन वाई जो है वापस आएगा अंडर जी, मतलब इनवर्स के अंडर वो वापस आएगा. और उस इनवर्स को अगर हम डिनोट करें तो उसे एफ इनवर्स किससे डिनोट किया जाता है, एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स. तो यही डेफिनेशन कहती है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, देन एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, तो ये इनवर्स होता है. ठीक है, तो इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स की डेफिनेशन हो गई कि इनवर्स आप किस तरह से डिफाइन करते हैं. अगर फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इनवर्स की कंडीशंस पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे हम कंडीशंस की तरफ ना जाके फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ ध्यान देंगे. दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू वाई का मतलब है एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो साइन इनवर्स है, इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इनवर्स ऑफ द साइन एक्स. एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन, इस साइन एक्स फंक्शन का जो इनवर्स रहता है दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स. और ये जो साइन एक्स का होल इनवर्स होगा, ये अलग चीज है. ये साइन एक्स का होल इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स. ठीक है, तो साइन यहाँ पे अगर माइनस 1 लग रहा है, इसका मतलब दिस इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स. और अगर यहाँ पे इनवर्स लग रहा है, इट मीन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स. ठीक है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है. आप साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दिस वन. ये इनवर्स ये क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स है अगर पूरे के ऊपर माइनस 1 आ रहा है. और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब है एक ऐसा फंक्शन विच इज इनवर्स ऑफ साइन एक्स. ठीक है, क्या साइन एक्स का इनवर्स होगा, उसे आप क्या कहेंगे, साइन इनवर्स एक्स कहेंगे. ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ. दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रिंसिपल ब्रांचेस. ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी, कहां से कहां तक रहेगी, माइनस 1 टू 1 से माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. साइन इनवर्स की है ये बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 टू 1, फिर माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, फिर कॉस इनवर्स की माइनस 1 टू 1, 0 टू पाई. ठीक है, तो कॉस इनवर्स की और सेक इनवर्स की सेम रहने वाली है. यहाँ पे ये 0 टू पाई, और जिसपे जो आपका कॉस है वो 0 रहता है, वो यहाँ से हट जाएगा. ठीक है, जिसपे आपका कॉस 0 रहता है, बेसिकली जो सेक होता है, सेक इनवर्स क्या करेगा, वो वैल्यू एक्सक्लूड करेगा जिसपे की आपका कॉस 0 रहता है. तो 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स वाले केस में आपके पास आएगा माइनस का पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, उसमें से 0 एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, न इन दोनों की जगह आप ये चीज रिप्लेस करेंगे. तो साइन इनवर्स के लिए माइनस 1 टू 1 माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, कॉस इनवर्स के लिए माइनस 1 टू 1 0 टू पाई रहेगा. सेक इनवर्स के लिए आर में से माइनस 1 टू 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और रेंज क्या रहने वाली है, 0 टू पाई में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, कॉसेक इनवर्स के लिए 0 टू पाई में से पाई बाय 2, कॉसेक इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, माइनस का पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देना है. और जो डोमेन रहने वाला है दैट विल बी आर माइनस माइनस 1 टू 1. ठीक है, फिर टेन इनवर्स क्या रहने वाला है, रियल नंबर 2. रेंज कहाँ रहने वाली है, माइनस का पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. कॉट इनवर्स क्या रहने वाला है, रियल 2 0 टू पाई. ठीक है, ये रहने वाली है. अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज की. बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, वो साइन इनवर्स की वैल्यूज जो लाए करेंगी इस रेंज में. ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज रहा क्या होंगी, कॉस इनवर्स की जो वैल्यूज इसमें लाए करेंगी, दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज. तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसे इवेलुएट करना है. तो इसे इवेलुएट करने के लिए पहले से तीन पोर्शन में ब्रेक कर लेते हैं. दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2, एंड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2, एंड टेन इनवर्स ऑफ 1. और टेन इनवर्स ऑफ 1 अगर आप इवेलुएट करना चाहते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू वाई. तो आपको क्या करना है, 10 को उधर ले जाना है, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स. अगर एफ इनवर्स अगर एक्स को वाई पे लेके जा रहा है, इसका मतलब एफ जो है वाई को एक्स पे लेके जाएगा. ये डेफिनेशन हमने यहाँ यूज किया है. तो 1 इज इक्वल्स टू 10 वाई मींस 10 ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1. आपको पता है इसकी जगह हम 1 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 10 ऑफ पाई बाय 4. तो 10 ऑफ पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 10 वाई. तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर 10 इनवर्स 1 निकालना है, दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4. अब बात करते हैं इसकी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2 की. अगर मान लिया ये वाई है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस वाई. ठीक है,
अब कॉस वाई की जो वैल्यूज हैं आपको प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जाना है, प्रिंसिपल ब्रांच में जीरो से पाए तक ही वैल्यूज होती हैं, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, माइनस वन बाई टू चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कॉस ऑफ किस पे, कॉस वन बाई टू किस पे वैल्यू देता है, कॉस वन बाई टू किस पे वैल्यू देता है, पाए बाय कॉस वन बाय टू वैल्यू देगा आपका पाए बाय सिक्स पे आपका अंडर रूट थ्री बाय टू होता है एंड पाए बाय थ्री पे आपका वन बाय टू होता है। तो दिस इज पाए बाय थ्री इज इक्वल्स टू कॉस वाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसी वैल्यू जिसपे माइनस वन बाय टू आए। तो अगर हम इस नेगेटिव को अंदर लेके जाना चाहते हैं तो हमें पता सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस नेगेटिव वैल्यूज देता है। सो दिस इज पाए माइनस पाए बाय थ्री। तो कॉस ऑफ पाए माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो यहां से आ जाएगा cos of 2 pi by 3 will be equals to cos pi, और यहां से y is equals to 2y 2 pi by 3 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 2 pi by 3 आ गई, और यहां से pi by 4 जो है वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं sin inverse of minus 1 by 2 की, किसकी, sin inverse of minus 1 by 2 की, ठीक है। अब sin inverse of minus 1 by 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है, इन द सेंस आपको वो थीटा निकालना है जिसपे sin जो है माइनस वन बाय टू वैल्यू देता है, ठीक है। और कहां से निकालना है, प्रिंसिपल रेंज से निकालना है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू विल बी इक्वल्स टू वाई। तो यहां से माइनस वन बाय टू क्या आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब साइन वाई इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू आ गया, लेकिन हमें पता है कि साइन वन बाय टू किस पे वैल्यू देता है, साइन वन बाय टू वैल्यू देता है पाई बाय सिक्स पे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय सिक्स और दिस विल बी इक्वल्स टू साइन वाई, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो माइनस है इसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला होता है साइन का, दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज की इस साइन को अंदर ले जाने के लिए। साइन को अगर हम अंदर लेके जाए तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स और साइन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय सिक्स आ गई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाय सिक्स आ गई। तो यहां से अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा पाई बाय फोर प्लस में टू पाई बाय थ्री प्लस में टू पाई बाय थ्री और माइनस में पाई बाय सिक्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय फोर प्लस में टू पाई बाय थ्री माइनस में पाई बाय सिक्स। तो दिस इज 12 एलसीएम आ जाएगा। तो दिस इज 3 पाई और दिस इज 8 पाए माइनस 2 पाए और ये कितना आ गया 11 पाए माइनस 2 पाए विच इज इक्वल्स टू, दिस इज 9 पाए अपॉन 12 विच इज इक्वल्स टू 3 पाए बाय 4, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी थी, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 पाए बाय 4 के इक्वल आ गई, ठीक है। आपको क्या करना है, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री माइनस sec इनवर्स ऑफ माइनस टू की वैल्यू निकालनी है। तो टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री का मतलब वो y निकालना है, सच दैट tan इनवर्स किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो। तो दिस विल बी इक्वल्स टू वे y की वैल्यू आपको बेसिकली फाइंड करनी है, ठीक है। तो अंडर रूट थ्री विल बी इक्वल्स टू tan y, और हमें पता है कि tan जो है अंडर रूट थ्री वैल्यू कब लेता है, tan जो है अंडर रूट थ्री वैल्यू लेता है पाई बाय थ्री पे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट थ्री की जगह पाई बाय थ्री, tan ऑफ पाई बाय थ्री। तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय थ्री इक्वल्स टू tan ऑफ y। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय थ्री आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय थ्री आ गई। अब मूव करते हैं sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ माइनस टू, दिस विल बी इक्वल्स टू y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टू विल बी इक्वल्स टू sec y, ठीक है। और हमें पता है sec जो है टू वैल्यू किस पे लेता है, sec टू वैल्यू लेता है पाई बाय थ्री पे, ठीक है। तो पाई बाय थ्री विल बी इक्वल्स टू sec y। अब यहां से अगर हम देखें ये माइनस है, और हमें कहाँ जाना है, प्रिंसिपल रेंज के अंदर जाना है, और sec की जो प्रिंसिपल रेंज बताई थी दैट इज जीरो टू पाए में से अगर आप पाई बाय टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो दैट इज द प्रिंसिपल रेंज। तो इसमें जाने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि जो कॉस होता है दैट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सिमिलरली sec भी नेगेटिव रहता है। तो दिस इज कॉस ऑफ पाए माइनस पाई बाय थ्री, दिस विल बी इक्वल्स टू sec y, और यहां से आपके पास आ जाएगा टू पाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू sec ऑफ 2 पाई बाय 3 विल बी इक्वल्स टू sec y, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 पाई बाय 3 आई है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट 3 की वैल्यू जो क्या आई है, ये पाई बाय 3 आई है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 3 ओनली, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, माइनस पाई बाय 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 की। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 वो वैल्यू होगी वाई की सच दैट 2 क्या रहे,
cos y के इक्वल रहे, ठीक है। आपको y की वैल्यू सर्च करनी है such that this happens, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 is equals to cos y आ जाएगा। आपको वो y की वैल्यू सर्च करनी है ये such that ये चीज होल्ड करे। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब y क्या हो 60 डिग्री हो, और 60 डिग्री को आप किस तरह से लिखते हैं, पाई बाय 3 की तरह से लिखते हैं। सो cos y is equals to 1/2 रहे, इसका मतलब y is equals to 60 degree which is पाई बाय 3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या रहता है, पाई बाय 6 रहता है आपका। इसका मतलब साइन की वैल्यू पाई बाय 6 पे आपकी 1/2 आती है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन, इसीलिए ये चीज आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6, तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 पाई बाय 3 आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स, और कॉस का सेकंड वर्स 10 का कॉट इनवर्स। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इन सब में, इन तीनों में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, कॉसेक में, टेन में एंड साइन में। और कॉस में क्या होता है, पाए माइनस हो जाता है, सेक में भी पाए माइनस हो जाता है, और कॉट में भी पाए माइनस हो जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है, पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स भी पाई बाय 2, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है दिस वन, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। और 2 टेन इनवर्स का साइन इनवर्स की टर्म में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर 10 की टर्म में देखें तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले रखेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है। और बेसिकली ये जो फॉर्मूले आए हैं वो कहां से आए हैं, 10 2x वाले फॉर्मूले से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, दैट इज अगर हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, 10 ऑफ साइन इनवर्स एट 3/5 प्लस कॉट इनवर्स एट 3/2, ठीक है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करना पड़ा होगा, सिमिलरली वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, इन अंदर वालों को चेंज करेंगे इन 10, इन दोनों को 10 में चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ही फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस समथिंग का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इन सब को किस में चेंज करेंगे, हम 10 में चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ अगर 3/5 अगर y है, तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया, 3/5 इज इक्वल्स टू साइन y आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप टेबल बना लें, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 3, दिस इज 5। तो यहां से अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट 4, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं 10y की वैल्यू निकाल लूं, तो 10y विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 10 इनवर्स 3/4 आ गई, ठीक है। y ये था, इसको हमने चेंज कर लिया इन 10 इनवर्स। अब बात करते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 की, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 अगर y है, तो इसका मतलब 3/2 कॉट y होगा, और यहां से मैं 2/3 इज इक्वल्स टू 10y लिख सकती हूँ, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 10 इनवर्स ऑफ 2/3 आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं, दैट इज 10 ऑफ यहां पे क्या आ जाएगा, 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 2/3। और इसको अगर इवेलुएट करें, तो आपको पता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है दिस वन, ठीक है। तो वही चीज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, 10 इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इनटू 2/3, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। अब यहां से देखो, इसको इवेलुएट करेंगे, एलसीएम लेंगे, और 10 इनवर्स और इनवर्स क्या होते हैं, 10 इनवर्स और 10 क्या है, आपके इनवर्स फंक्शन है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस ओनली। तो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे, तो दिस इज 12, दिस इज 9 प्लस 8, और दिस इज 12 माइनस 6, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 17 अपॉन 12, दिस इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 12, तो 12 से 12 कैंसिल, दिस इज 17 अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 17 अपॉन 6 आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज आपको क्या निकालना है, 10 इनवर्स ऑफ 10 के अंदर 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस पे वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो हम एक बार मूव करते हैं पीछे की तरफ, दैट इज आपने पढ़ा
कि साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस x स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करती हूं तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो यहां अगर आप देखोगे देन आपको पता चलेगा कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या है, 2 tan इनवर्स x है। इसका मतलब अगर यहाँ y मैं कर देती हूँ, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अगर मैं कर देती हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स y। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली चीज आ जाएगी 2 tan इनवर्स y। तो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y। और हमें पता है 10 इनवर्स एंड 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, मतलब कैंसिल का मतलब ये इनवर्स फंक्शंस हैं, तो ओनली पॉइंट दे देंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये पूरे के पूरे की वैल्यू आ गई। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, सच दैट ये चीज होल्ड करे। अब हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, ठीक है। अब इस 10 को इस साइड ले जाते हैं, देन दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 1, ये वाली चीज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और 1 माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, देन एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इनटू में x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2। सिमिलरली अगर नीचे एलसीएम आप लेते हैं तो x माइनस 2 x प्लस 2 एंड ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 और माइनस में x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब ये एलसीएम जो है कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर tan इनवर्स ऑफ 10 उस साइड चला गया, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज x स्क्वायर, बेसिकली ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये आपका माइनस 4 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3। क्या आ जाएगा, नीचे वाली जो टर्म है वो एग्जैक्टली माइनस 3 आ जाएगी, नीचे वाली 3, नीचे वाली जो टर्म है वो माइनस 3 आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 3। ऊपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, दिस इज x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस में 2, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। अब ये x से x कैंसिल करेगा, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल करेगा, और अगर आप यहां देखो तो दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आया, यहां से आपके पास जो वैल्यू आई दैट विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2 आ गई, तो आपको वो वैल्यूज फाइंड करनी थी सच दैट ये चीज होल्ड करे, ठीक है। तो x की वो वैल्यूज क्या आई है, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x, तो यहां से आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी आप इसकी जगह पुट कर पाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन x। अब x, अब आप आपको पता है 1/2 साइन कब लेता है, 1/2 वैल्यू कब लेता है, 30 डिग्री पे, इसका मतलब पाई बाय 6 पे, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6 और साइन x, ठीक है। अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएं, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 होती है, तो यहाँ पे
साइन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स, और यहां से एक्स क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय सिक्स आ गई। तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाय थ्री, माइनस में माइनस का पाई बाय सिक्स, तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस में पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो दिस इज टू टू, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ टू पाई डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस पाई बाय सिक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थ्री पाई बाय सिक्स विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय टू, और ये क्या होता है, वन होता है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू वन। तो ये जो पूरी वैल्यू आया है किसकी इक्वल आ गई, वन की इक्वल आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दिस वन, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू एक्स ले लिया, तो माइनस का अंडर रूट थ्री विल बी इक्वल्स टू कॉट एक्स, ठीक है। और हमें पता है कॉट एक्स की जो प्रिंसिपल डोमेन रहती है, प्रिंसिपल रेंज जो रहती है कॉट की, दैट विल बी इन कॉट की जो रहती है वो जीरो टू पाए रहती है। तो हमें क्या करना है, पाए माइनस थीटा टाइप करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल वैल्यूज आप पढ़ के आते हैं, बेसिकली आपको वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है सच दैट क्या हो, आपके पास माइनस का वन बाय टू वैल्यू आ जाए, ठीक है। आपके पास क्या आ जाए, माइनस का अंडर रूट थ्री आ जाए। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है सच दैट अंडर रूट थ्री वैल्यू आए। तो अगर हम यहाँ लिखे तो आपको पता है अंडर रूट थ्री कॉट कब देगा, कॉस जब आपका अंडर रूट थ्री बाय टू रहे, और कॉस जो है अंडर रूट थ्री बाय टू कब रहता है, पाई बाय सिक्स पे। तो दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय सिक्स एंड दिस इज कॉट ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे माइनस को अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकलती है कॉट की, ऐसे निकलती है। तो यहां से आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से फाइव पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स, ये आपका फाइव पाई बाय सिक्स आ गया। और अगर अंडर रूट टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री की बात करें, तो मान लो ये एक्स है, तो अंडर रूट थ्री क्या आ जाएगा, टेन एक्स। तो मतलब वो एक्स की वैल्यू सच दैट अंडर रूट थ्री वैल्यू दे, तो कब होगा ये, पाई बाय थ्री पे। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय थ्री। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस इज टू पाई बाय सिक्स माइनस फाइव पाई बाय सिक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पाई बाय सिक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय टू आ गए आपके पास, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस कॉस इनवर्स और माइनस अंडर रूट थ्री की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ गई माइनस पाई बाय टू। अब हमने इस चैप्टर में सारे के सारी प्रॉपर्टीज एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया।